बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं री एग्जाम्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि कल ही जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है। सबसे पहले जो परीक्षा होगी समूह क के अंदर सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के 33 पदों के लिए री एग्जाम होगा, जो कि 21 मई को होगा। जी हाँ, 21 मई को एग्जामिनेशन होगा। इसके एडमिट कार्ड आपको एक हफ्ते पहले जारी कर दिए जाएंगे। तब तक बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट भी आई थिंक आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कई कैंडिडेट्स के कमेंट लगातार आ रहे हैं और सचिवालय रक्षक से लेकर वन दरोगा से लेकर तमाम और जो बीडीओ बीपीडीओ के पेपर हैं उनमें यही चीज़ स्पष्टीकरण लगातार आयोग ने जितने हुआ है आयोग की ओर से कि भाई साहब पुराने स्टूडेंट्स को ही इसमें मौका मिलेगा, नए स्टूडेंट्स को कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी इसके फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, जिस तरह से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फॉर्म रीओपन किए थे, तो ये फॉर्म रीओपन नहीं होने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड ही इशू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने फॉर्म भरा है उसको संभाल के रखिए आप। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देखिए आपके ईमेल आईडी पर होगा। तो 33 पदों के लिए भर्ती आई थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर हमने टोटल डिवाइड करके रखा हुआ। ठीक है, अनुसूचित जाति के आप देख सकते हैं कि 3 पद हैं, इसी तरह से अलग अलग यहाँ पर टोटल पद दिए। ठीक है, लेवल 3 की ये जॉब है, 18 से लेकर 35 साल की यहां पर उम्र थी। ठीक है, उसके अलावा यहां पर जो शैक्षिक अर्हता थी आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से जो हाई स्कूल परीक्षा या यहां पर समकक्ष थी। ठीक है, और यहां पर लिखित परीक्षा में समान आयु होने पर आयु की यहां पर गणना की जाएगी। उसके अलावा यहां पर जो रिजल्ट आने के बाद याद हो आपको जब इसका रिजल्ट आया था यहां पर आप देख सकते हैं 33 पदों के मुकाबले 2 गुने अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं सामान्य के लिए ये हैं और इसमें महिलाओं के लिए ये हैं और इस तरह से चेस्ट के लिए भी हैं और जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए वेट 45 होना चाहिए था। ठीक है, ये सारे डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं। उसके अलावा लिखित परीक्षा 100 मार्क्स की होगी मेनली, जिस पे आपको जो है यहाँ पर फोकस करना है, और MCQ बेस होगी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आपको पता होगा एक जो सबसे बड़ी बात, रिसेंट टाइम में सारे पेपर जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करा रहा है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सारे पेपरों को जो है PCS लेवल का मान के चल रहा है। तो सोच लीजिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी उसी पद्धति पर काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ ये सब पेपर होने वाले हैं रिसेंट टाइम में, जितने भी होंगे आपके सचिवालय रक्षक से लेकर वन दरोगा से लेकर और बाकी आपके जितने भी हैं यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को लेकर तो आपको अपनी तैयारियों को थोड़ा हार्ड वर्क करना है, यानी कि 2 and 3 टाइम्स आपको इंक्रीज करना है। बाकी इसमें OBC और जनरल के लिए 45% आपको लाने हैं, बाकी अदर के लिए 35 है और 1/4 यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं और यहाँ पर डिटेल, क्योंकि फॉर्म तो आपको भरना नहीं है, केवल इसमें एडमिट कार्ड ही आपको जो है इशू होंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्स सिलेबस हमने जो है अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।